हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, जो मॉडल की हम लोग सीरीज़ पूरी पढ़ रहे थे, तो मॉडल के अंतर्गत जो लास्ट टॉपिक है वो है सीमा और सीमांत या बाउंड्रीज और फ्रंटियर्स। तो आज हम सीमा के बारे में देखेंगे, सीमा क्या होती है, किस तरह से इनका निर्धारण होता है, तो इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सीमांत क्या होता है, सीमा सीमांत में अंतर क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के फिर हमारा जो मॉडल्स का टॉपिक है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सीमा क्या है। सीमा रेखाएं एक राज्य की प्रभु सत्ता को पड़ोसी राज्य से पृथक करती हैं और मानचित्र पर एक रेखा के रूप में खींची जाती हैं। तो देखिए, हर राज्य जो है उसकी कुछ प्रभुसत्ता होती है, यानी कि उसका कुछ क्षेत्र होता है। जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया की प्रभुसत्ता या इंडिया का क्षेत्र कहाँ तक है, जहाँ तक इंडिया की बाउंड्री फैली हुई है। तो अब देखिए, जैसे कि बगल में चीन है, तो जहाँ से इंडिया की बाउंड्री ख़त्म होती है और चीन की शुरू होती है, तो वहाँ से चीन की प्रभुसत्ता शुरू हो जाती है। या कि फिर कह लीजिए कि सॉवरेंटी, यानी कि जहाँ तक इंडिया जो है एक सॉवरेन कंट्री के रूप में बिहेव कर सकता है, और उसके आगे फिर अगले देश की जो सॉवरेंटी है वो शुरू हो जाती है। तो दो देशों की जो सॉवरेंटी है उसके क्षेत्र को पृथक पृथक करने वाली जो रेखा है वो हो गई सीमा। अब देखिए, जो बाउंड्री का डेवलपमेंट होता है या एवोल्यूशन होता है बाउंड्री का, तो उसकी जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं हम उनकी बात करेंगे। यानी कि जो दो राष्ट्र हैं उनके बीच की सीमा का निर्धारण किस तरह से होता है, किन चरणों से होकर दो राष्ट्र गुजरते हैं कि उनके बीच की जो सीमा है उसका निर्धारण हो सके। तो देखिए, पहला चरण है क्षेत्रीय निर्धारण का। तो ये देखिए, सीमा निर्धारण का पहला चरण है, प्राथमिक चरण है, यानी कि दो राष्ट्र जो हैं, दो देश जो हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हमें जो अपनी बाउंड्रीज हैं उन्हें डिसाइड करना है, हमें अपने यानी कि दोनों का जो सॉवरेन एरिया है उसके बीच में एक बाउंड्री को रेखांकित करना है, जिससे किसी टसल से बचा जा सके, किसी विवाद से बचा जा सके। तो सीमा को निश्चित करने हेतु भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए, भौगोलिक तत्व होगा, जैसे कि नदियां हैं, झील है, महासागर है, इस आधार पे हमने अपनी सीमा का निर्धारित कर दिया कि चलिए हिमालय के इस तरफ का जो क्षेत्र है वो भारत का हो गया, और हिमालय के दूसरी तरफ का जो क्षेत्र है वो चीन का हो गया। या हमने नदी के आधार पे, सिंधु नदी के आधार पर डिवाइड कर दिया कि चलिए सिंधु नदी के इधर का क्षेत्र जो है, ये वाला एरिया जो है भारत यूज़ करेगा, उधर वाला पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो इस तरह से, यानी कि नदियाँ हैं, झील है, इसके आधार पर हम अपनी सीमाओं को रेखांकित कर सकते हैं, अपनी सीमाओं को निर्धारण करने में भौगोलिक जो तत्व हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से सांस्कृतिक तत्वों का, जैसे कि भाषा। अब मान लीजिए कि सीमा के इधर वाले लोग हैं एक पर्टिकुलर भाषा बोलते हैं और सीमा के दूसरी तरफ वाले लोग दूसरी तरह की भाषा बोलते हैं, तो इस आधार पर भी सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। अब देखिए, भाषाई आधार पर जो हमारा बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, तो वो भाषाई आधार पर किया था, यानी कि सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर किया था। तो क्षेत्रीय निर्धारण के लिए सांस्कृतिक तत्वों को भी यूज़ किया जा सकता है, भौगोलिक तत्वों को भी यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए, इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि सांस्कृतिक समानता हो गई, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जैसे भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पर है। फिर देखिए, किसी क्षेत्र को खरीद के भी कोई देश जो है अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकता है, जैसे कि अमेरिका ने सोवियत संघ से अलास्का को खरीद लिया, तो अब जो अलास्का है अमेरिका की सीमा में आ गया। फिर मध्यस्थता द्वारा, यानी कि दो देश हैं उनके बीच में विवाद है, तो उन्होंने एक तीसरे देश से या किसी वैश्विक स्तर की बॉडी से कहा कि ठीक है कि आप हमारा जो विवाद है इसका निस्तारण कर दो, और ऐसे में फिर जो वो बॉडी होती है या वो जो देश होता है वो उनकी सीमाओं को निर्धारित कर देता है। तो जैसे अमेरिका द्वारा जो है टर्की और इराक का जो विवाद था उसमें मध्यस्थता की गई थी, और फिर अमेरिका ने कहा था कि जो मोसुल शहर है वो इराक को दे दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से भी किसी राज्य की या कह लीजिए किसी राष्ट्र की जो सीमा है उसका निर्धारण होता है। जनमत संग्रह द्वारा, अब देखिए जैसे स्कॉटलैंड के संबंध में ब्रिटेन ने जनमत संग्रह कराया था, अब वो ठीक है कि जो स्कॉटलैंड है उसके नागरिकों ने ब्रिटेन के साथ ही रहना पसंद किया, तो ऐसे में स्कॉटलैंड अलग नहीं हुआ। लेकिन अगर देखिए वो लोग तैयार होते इस बात के लिए कि नहीं, हमें अपना अलग देश चाहिए, तो स्कॉटलैंड एक अलग कंट्री के रूप में होता, उनके बीच सीमाओं का निर्धारण हो जाता। तो ये भी एक तरीका है। फिर बलपूर्वक, जैसे कि रशिया ने जो है क्रीमिया में अधिकार कर लिया है, ऐसे बलपूर्वक के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पर जो देश है उसने अपनी सीमाओं का विस्तार बलपूर्वक किया है। फिर देखिए, जो दूसरी स्टेज आती है वो आती है सीमा परिसीमन की। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए, अब जो दो देश हैं वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमें जो सीमा है अपना उनको डिवाइड करना है, उसके लिए उन्होंने किसी तरीके को अपनाया, और अब वो जो एक कह लीजिए ऐसी स्थिति तक पहुंच गए हैं कि उनके बीच में एक राजनीतिक संधि हो जाती है कि ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो आपका होगा और जो इधर का क्षेत्र है वो हमारा होगा, यानी कि उनके बीच कोई संधि हो जाती है या समझौता हो जाता है। तो जो सीमा परिसीमन है ये राजनीतिक संधि और समझौते का परिणाम है। और देखिए, ये लिखित
लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, यानी कि इस तरह का ये जो समझौता होगा चाहे उसको वर्बल किया जाए या फिर ओरल माध्यम से किया जाए, लेकिन एक समझौता हो गया है। फिर आता है देखिए सीमांकन या डिमार्केशन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, अब देखिए सीमा को वास्तविक रूप में अंकित किया जाता है, यानी कि स्तंभ लगा दिए, कांटेदार तार लगा दिए, तो इन सब टेक्निक को यूज़ करके और फिर जो दो देशों की सीमा है वो विभाजित हो जाती है। तो इन तीन चरणों में किसी भी देश की जो सीमा है उसका कह लीजिए कि विभाजन होता है, दो देशों के बीच की सीमाओं का विभाजन होता है। अब देखिए हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के वर्गीकरण की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो देखिए जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं इनका क्लासिफिकेशन दो आधारों पे किया जा सकता है। पहला आधार है जन्निक अथवा कार्यात्मक सीमाएं, यानी कि जेनेटिक और फंक्शनल बाउंड्रीज। दूसरा हो गया भू आकारिक वर्गीकरण, यानी कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो देखिए पहले हम पहला वाला आधार देखते हैं, यानी कि पहले वाले क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जन्निक अथवा कार्यात्मक सीमाएं। तो जन्निक अथवा कार्यात्मक सीमाओं के अंतर्गत देखिए चार तरह की सीमाएं आती हैं। पहली हो गई हमारी पूर्ववर्ती सीमा। तो पूर्ववर्ती सीमाएं देखिए क्या हैं कि ये सीमाएं सांस्कृतिक तत्वों की उपस्थिति से पहले से ही विद्यमान होती हैं और बाद में सांस्कृतिक तत्वों का विकास होता है। यानी कि देखिए कोई ऐसा रीजन है जहां पे पहले से ही सीमाएं विद्यमान है, या कह लीजिए पहले से ही एक सीमाओं का आभास है, और वहां पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, उतना ज़्यादा सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं है, सांस्कृतिक तत्व उतने ज़्यादा नहीं है, और बाद में क्या हुआ धीरे धीरे उस रीजन में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, सांस्कृतिक तत्वों का विकास हो गया, और फिर जो सहमति होती है, आपसी सहमति होती है, इसके आधार पर इसका निर्धारण कर लिया गया कि ठीक है यही हमारी सीमा रेखा होगी जो कि सांस्कृतिक तत्वों की उपस्थिति से पहले ही विद्यमान थी। तो दो देशों ने उसी को अपनी सीमा रेखा मान लिया। तो इसका वो एग्जांपल हो गया आपका यूएसए और कनाडा की सीमा। देखिए इसको याद रखिए, ये जो यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि पूर्ववर्ती सीमाओं का इसमें से कौन सा उदाहरण है, तो याद रखिए यूएसए और कनाडा की सीमा। फिर आती है परवर्ती सीमा। तो देखिए परवर्ती सीमा ऐसी सीमाएं हैं जिनका विकास सांस्कृतिक भूदृश्यों के बाद में हुआ है, यानी कि जब सांस्कृतिक भूदृश्य का विस्तार हो गया, भाषा है और धर्म है, संस्कृति है, इन आधारों पर जब समाज में अलग अलग विभेद दिखाई देने लगे, तो उसके बाद जो है सांस्कृतिक भूदृश्य के निर्माण के बाद इन सीमाओं का निर्धारण किया गया। तो सांस्कृतिक विशेषताओं पर आधारित सीमाएं होंगी, यानी कि भाषा के आधार पर ये सीमाएं हो सकती हैं, धर्म के आधार पर ये सीमाएं हो सकती हैं। जैसे कि पाकिस्तान की अलग राष्ट्र की मांग की गई थी, तो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है उसमें पाकिस्तान का जो निर्माण है वो धर्म के आधार पर ही हुआ है। तो ये परवर्ती सीमा का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए जेनेटिक क्लासिफिकेशन में जो तीसरी तरह की बाउंड्री आती है या तीसरी तरह की सीमा आती है वो है अध्यारोपित सीमा या सुपर इम्पोस्ड बाउंड्रीज। तो देखिए ये सीमाएं बाहरी ताकतों द्वारा अथवा दो में से एक प्रभुत्वशाली इकाई द्वारा जबरदस्ती थोपी जाती हैं। तो देखिए बाहरी ताकतों द्वारा ऐसे मतलब है कि अब जैसे अफ्रीका था, तो अफ्रीका में जब ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी अलग अलग, यानी कि चाहे वो फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, आपका ब्रिटेन हो, तो इन सब ने अपने अपने हिस्से मांगे, यानी कि इन सब ने कहा कि हमें अपनी अपनी होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने जबरदस्ती अफ्रीका का विभाजन कर दिया अपने मन से, यानी कि बाहरी ताकतों द्वारा अफ्रीका का विभाजन किया गया और अपने फायदे के लिए किया गया। तो यह एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण हो गया, जहां पे जो सीमा है वो किसी बाहरी ताकत ने जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दी, आपका मन नहीं था। ऐसे ही दो में से एक प्रभुत्वशाली इकाई द्वारा, अब मान लीजिए दो देशों के बीच विवाद होता है और एक देश जो है वो न्यूक्लियर पावर है, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, और जो दूसरा देश है वो कमज़ोर है, तो ऐसे में क्या होगा, ये कमज़ोर वाला देश जो है मजबूरी में मान लेगा कि ठीक है जो आप सीमा कहते हैं वही सीमा है। यानी कि एक देश क्योंकि ताकतवर था, दो प्रभुत्वशाली इकाई में से एक इकाई जो है ज़्यादा ताकतवर थी, ज़्यादा उसके पास पावर थी, इसलिए उसने क्या किया, जो सीमा रेखा है उसे जबरदस्ती दूसरी इकाई पर थोप दिया। तो इसका उदाहरण जैसा कि मैंने आपको बताया अफ्रीका हो गया। फिर आता है देखिए क्लासिफिकेशन में तीसरी तरह की बाउंड्रीज, यानी कि अवशिष्ट सीमा या रेलिक बाउंड्रीज। तो देखिए अवशिष्ट सीमाओं का मतलब है कि ऐसी सीमाएं जो पहले तो थीं लेकिन अब अस्तित्व खो चुकी हैं, यानी कि आप कह लीजिए कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारा इतिहास रहा है, उसमें इन सीमाओं का अस्तित्व था, लेकिन अब ये सीमाएं जो हैं विद्यमान नहीं है, या कह लीजिए ये सीमाएं अब अस्तित्व में नहीं है। जैसे कि देखिए पहले आप जानते हैं कि जो जर्मनी था उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया था और बीच में एक दीवार थी, बर्लिन की दीवार। तो एक तरफ जो है, एक तरफ का जो जर्मनी था उस पर रूस का कब्जा था, कह लीजिए उस वो रूस के इन्फ्लुएंस में था, दूसरी तरफ जो जर्मनी था उस पर अमेरिका का कब्जा था और जो यूरोप के अलग अलग नेशन थे उनका कब्जा था या उनका इन्फ्लुएंस था। तो ये बर्लिन की दीवार के द्वारा जर्मनी दो हिस्सों में बटा था, और जब बर्लिन की दीवार गिर गई तो ये जो सीमा है वो भी समाप्त हो गई। तो अब जो बर्लिन की दीवार है ये एक अवशिष्ट सीमा का उदाहरण हो गया। इसी तरह से उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, पहले देखिए उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम नाम से दो देश थे, यानी कि दोनों के बीच में एक सीमा रेखा थी,
लेकिन क्योंकि अब ये जो सीमा है वो ख़त्म हो चुकी है, वियतनाम पूरा अपने आप में एक देश बन गया है, तो ये भी एक अवशिष्ट सीमा का उदाहरण हो गया जो पहले तो थी लेकिन अब अपना अस्तित्व खो चुकी है। अब देखिए हम देखते हैं जो दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन है, यानी कि भू आकारिक वर्गीकरण या जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले आ गया पर्वतीय सीमा। तो पर्वतीय सीमा जो है सर्वाधिक अनुकूल है, क्योंकि आसानी से पर्वत को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, हमेशा जो है पर्वत वहीं पर रहेगा, यानी कि कभी स्थान परिवर्तन नहीं करेगा, तो इसलिए जो पर्वतीय सीमा है बहुत ज़्यादा अनुकूल रहती हैं, डिसाइड करने में आसान रहती हैं। फिर सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में भी कार्य करती हैं, जैसे कि भारत का हिमालय है तो इसने लंबे समय तक जो भारत पर होने वाले आक्रमण हैं उनसे भारत को बचाया है। लेकिन देखिए अब जो है मिसाइल की भूमिका हो गई है लड़ाइयों में, और बहुत अलग अलग तरह के, कह लीजिए जेट हो गए हैं, हेलीकॉप्टर्स हो गए हैं, तो इस वजह से जो वर्तमान की तकनीक है उसके कारण जो पर्वतों की सुरक्षात्मक भूमिका है उसमें कमी आई है। फिर देखिए पर्वतों की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और अनेक चोटियों का समानांतर विस्तार जो है सीमा विवादों को जन्म देता है, यानी कि देखिए पर्वत की जो ऊंचाई है हर स्थान पर अलग अलग होगी, लंबाई हर स्थान पर अलग अलग होगी, जो उसकी चौड़ाई है हर स्थान पर अलग अलग होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि पर्वत एक दीवार की तरह पूरे स्थान में जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ही होगी, तो ऐसे में कह लीजिए कि अस्पष्टता आ जाती है, लोग समझ या नेशन जो है देश जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारी बाउंड्री कहाँ पर है, उसकी बाउंड्री कहाँ पर है, और एक सीमा विवाद जो है जन्म ले लेता है, जैसे कि भारत चीन का एग्जाम्पल हो गया, चिली अर्जेंटीना का एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब जो सीमा विवाद हैं ये पर्वतीय सीमा के कारण ही है, क्योंकि जो सीमा है वो स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। फिर देखिए जो हमारी सीमाएं हैं उनको हम नदियों के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए नदियों की विशेषता यह है कि मानचित्र पर बहुत ही स्पष्टता से अंकित होती हैं, यानी कि एक सीधी रेखा के रूप में, या कह लीजिए एक रेखा के रूप में, सीधी तो नहीं कहना चाहिए, तो एक रेखा के रूप में दिखाई पड़ती हैं नदियाँ मानचित्र पर, बहुत स्पष्टता से अंकित हो जाती हैं। पर्वतों की तुलना में अधिक परिभाषित भी होती हैं, आसानी से हम इनका जो क्षेत्र है, इनकी जो सीमा है उसको परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन देखिए नदियों के साथ समस्या यह है कि नदियाँ समय समय पर मार्ग परिवर्तित किया करती हैं, कभी कभी कुछ नदियां जो हैं उनका साइज कम होने लगता है, मार्ग परिवर्तित हो जाता है, तो इन सारी वजहों से जो नदियां हैं उनके साथ भी वही समस्या आती है कि जो सीमा का निर्धारण है वो स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर नदी का मार्ग बदल गया तो सीमा थोड़ी ना बदल जाएगी, तो ऐसे में एक विवाद की स्थिति आ जाती है। फिर देखिए आती हैं झीलें। तो जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है उस पर सुपीरियर, हरिरन, इरी और ओटेरियो झील है, तो यानी कि जो दो देशों की सीमाएं हैं उसके ऊपर अगर उसकी सीमाओं पे कुछ झीलें हैं तो वो झीलें भी देशों की सीमा रेखा का निर्धारण कर सकती हैं। फिर देखिए जो वन है, दलदल है, रेगिस्तान है, इन सब के द्वारा भी सीमा का निर्धारण होता है, जैसे कि फिनलैंड, रूस, पोलैंड और लिथुआनिया की जो सीमा है इस पर वन की उपस्थिति है, यानी कि वनों के द्वारा इनकी सीमा जो है डिवाइड होती है। लेकिन देखिए ये उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, वन इत्यादि के आधार पर जो सीमाएँ हैं इनका विभाजन उतना प्रभावशाली नहीं है। फिर देखिए आता है प्रजातीय भौगोलिक सीमा, यानी कि प्रजातीय आधारों पर, जैसे भिन्न भिन्न भाषा के आधार पर सीमाओं का निर्धारण, धर्म के आधार पर, तो जैसा कि शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, जैसे कि भारत में जो जनसंख्या विस्थापन जो हुआ था 1947 में, यानी कि जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था भारत से, तो वो प्रजातीय आधार पर ही था, भिन्न धर्म के आधार पर था। फिर देखिए आती हैं ज्यामितीय सीमाएं। तो ज्यामितीय सीमाएं हैं यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे ये आधारित होती हैं कि अक्षांशों और देशांतरों के आधार पे देशों की सीमाओं का निर्धारण कर देना। तो जैसे पश्चिमी अफ्रीका में जो जाम्बिया राज्य की सीमा है उसका निर्धारण जाम्बिया नदी के केंद्र को आधार बनाकर एक चाप के रूप में किया गया है, चार्ट नहीं, एक चाप के रूप में किया गया है, यानी कि जाम्बिया नदी को आधार बना के, और जैसे हम लोग ज्यामिति में एक चाप लगाते हैं, तो उस आधार पर जाम्बिया राज्य की सीमा का निर्धारण कर दिया गया है, तो ये ज्यामितीय सीमा का उदाहरण हो गया। फिर देखिए सागरीय सीमाएं आती हैं। तो सागरीय सीमाओं की हम लोग तब चर्चा करेंगे डिटेल में जब हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इंडो पैसिफिक रीजन पे, तो वो आपको IR की जो प्लेलिस्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सागरीय सीमाओं की हम आगे बात करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फ्रंटियर्स पे होगा, और फ्रंटियर्स और जो बाउंड्रीज हैं इसमें जो अंतर है उसके ऊपर होगा। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।